क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथकस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। जिस प्रकार दूध विकार विशेष के योग से दधि बन जाता है, अब ऐसे में दधि अपने कारण रूप दूध से अलग भी नहीं होता और साथ ही वह दूध भी नहीं होता। उसी प्रकार मैं उस परम भगवान आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो सृष्टि का विनाश करने हेतु शंभु रूप में स्वयं को परिवर्तित करते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता नामक इस प्रार्थना में भगवान शिव की महिमा और उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता जीव तत्व कहलाते हैं, अर्थात उनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी, लेकिन शिव जी उन सबसे ऊपर हैं। वामन पुराण में बताया गया है कि इस भौतिक जगत के विभिन्न कार्य हेतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्मा और शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं। भगवान शिव ना ही सामान्य जीवात्मा है और ना ही श्री विष्णु के समान। वे परम भगवान श्री कृष्ण के गुणावतार हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के सुचारू संचालन हेतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है। और क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए इस पद को चुना है, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय हैं और हमारे लिए सर्वाधिक आदरणीय भी। वे सबसे ज़्यादा करुणामय हैं और अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न होने वाले भी, और इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। भगवान शिव की करुणा और दया का प्रत्यक्ष परिचय हमें उस समय भी मिलता है जब समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन तो किया, लेकिन अमृत से पहले निकला विष, और जब तक उस विष को उसके स्थान पर ना लगाया जाए तब तक अमृत निकल नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? तो बस ऐसे समय में देवों के देव महादेव आए उनकी रक्षा करने के लिए। देवताओं और दानवों को अमृत पान करवाने के लिए और सृष्टि का कल्याण करने के लिए उस हलाहल विष को उन्होंने पी लिया, और इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। आज भी जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ से आगे के मार्ग में जाते ही एक पहाड़ी आती है और वहाँ विराजमान है नीलकंठ महादेव। ऐसा कहा जाता है कि विष पान करने के पश्चात शिव जी माता पार्वती के साथ उसी स्थान पर आए थे। वैसे तो हर मास में शिवरात्रि आती है, लेकिन वर्ष में सिर्फ एक बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि आती है। ये वही दिन है जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन को अत्यंत पवित्र और मंगलमय माना गया है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यन्तु फाल्गुने वैष्णवेर अपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यानी शिवरात्रि के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक वैष्णव को संपूर्ण दिन उपवास करने का संकल्प लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हरि भक्ति विलास में तो ये भी कहा गया है, परतरम यान्ति नारायण परायण नाते तत्र गमिष्यन्ति ये दिवसन्ति महेश्वरम। अर्थात जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन उपवास नहीं करता वह अपराध युक्त बन जाता है। परम भगवान श्री हरि का लोक आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव से द्वेष करता है उसे ये आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी भगवान शिव परम वैष्णव है। स्कंद पुराण से उद्धृत एक श्लोक को दर्शाते हुए हरि भक्ति विलास में आगे वर्णन आता है, श्री कृष्णे वैष्णवानन्तु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रस सार वर्षी रुद्र अनुकंपाय। यानी एक वैष्णव होने के नाते यदि कोई शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास रखता है तो भगवान शिव जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति सागर में सदैव मग्न रहते हैं, उनकी विशेष कृपा से उस व्यक्ति को
भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में वृद्धि होती है। महाभारत के शांति पर्व में उससे संलग्न एक सुंदर कथा आती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म से मिलने के लिए रणभूमि पर आते हैं। उस समय भीष्म पितामह उन्हें जीवन उपयोगी और आध्यात्मिक सुवर्ण उपदेश देते हैं और उसी उपदेश में वे राजा चित्रभानु की कथा सुनाते हैं। एक समय राजा चित्रभानु अपनी पत्नी और परिवार के साथ महाशिवरात्रि का व्रत का पालन कर रहे थे। उस समय ऋषि अष्टावक्र उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब वे देखते हैं कि राजा चित्रभानु शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं, तो जिज्ञासावश वे उनसे पूछते हैं, हे राजन, आप ये शिवरात्रि का व्रत क्यों पालन कर रहे हैं? दैव कृपावश राजा चित्रभानु को ये वरदान मिला था कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसी को याद करते हुए राजा कहते हैं, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म में मैं वाराणसी नगर में रहने वाला एक शिकारी था और मेरा नाम था सुस्वर। निर्दोष पशुओं की हत्या करना और उन्हें बेचकर धन उपार्जन करना, यही मेरा रोजगार था। एक दिन ऐसा हुआ कि शिकार की खोज में मैं अत्यंत घने जंगल में चला गया। शिकार करते हुए काफी समय चला गया था और रात्रि अंधकारमय हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप मैं घर वापस नहीं लौट पाया। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं एक वृक्ष पर चढ़ गया और ये वृक्ष बेल का था। हालांकि मैंने एक हिरण का शिकार किया हुआ था, लेकिन उसे घर लेकर नहीं जा पाया, इसलिए मैंने उसे वृक्ष की एक टहनी से बांध दिया। भूख और प्यास के कारण मेरा शरीर अशक्त हो गया था और संपूर्ण रात्रि मैं जागता रहा। भूख से बेचैन हो रहे मेरे बच्चों के बारे में सोचकर और अपने परिवार को याद करते हुए मैं पूरी रात अश्रुपात करता रहा। समय व्यतीत करने के लिए पूरी रात मैं उस बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता रहा। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, मैं अपने घर वापस चला गया। उस मारे हुए हिरण को बेचकर मैंने धन एकत्रित किया और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की। एक दिन और एक रात्रि निर्जल उपवास करने के बाद जब मैं भोजन लेने ही जा रहा था, उसी समय मेरे घर पर एक अतिथि आए और उन्होंने मुझसे भोजन की मांग की। मैंने उन्हें तृप्ति होने तक भोजन खिलाया और अंत में स्वयं भोजन किया। जब मेरा मृत्यु समय निकट आया, तो मैंने भगवान शिव के दो पार्षदों को देखा और उस समय मुझे अपने अनजाने में किए हुए एक पुण्य कार्य के बारे में ज्ञान हुआ कि वास्तव में जिस रात को मैंने जंगल में बिना कुछ खाए पिए निकाली थी, वो महाशिवरात्रि का दिन था। जिस पेड़ पर से मैं पत्ते तोड़कर गिरा रहा था, वहाँ नीचे शिवलिंग था और मेरे अश्रुपात से अनजाने में ही शिव जी का अभिषेक हो रहा था। इस प्रकार अनजाने में ही पूरा दिन और रात उपवास किया, जागरण किया और बेलपत्र से शिव जी की पूजा की। इस प्रकार अज्ञानतावश ही मैंने शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और उसके परिणाम स्वरूप मुझे महेश धाम की प्राप्ति हुई। अनेक वर्षों तक मैं वहां पर रहा और अब मेरा जन्म राजा चित्रभानु के रूप में हुआ है। राजा चित्रभानु की बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इस सृष्टि में जितने भी शिवलिंग उपस्थित है, उनमें स्वयं भगवान शिव आकर प्रवेश करते हैं। सामान्य रूप से लोग शिवजी की पूजा भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास करते हैं। रात्रि में विभिन्न प्रहर में दूध, जल, दही, बेलपत्र इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और फिर अंत में उनसे किसी भौतिक वरदान की याचना करते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो जानते हैं कि सर्वोत्तम वरदान है परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करना और इस भौतिक जगत से तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और क्योंकि भगवान शिव स्वयं 12 महाजनों में से एक और परम वैष्णव हैं, इसलिए वे ये वरदान देने में सक्षम हैं। और यही कारण है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और परम वैष्णव महादेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए तो व्रज गोपियाँ भी वृंदावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहती हैं, वृंदावनी पते जय सौम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेत्य गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्रि पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। अर्थात, हे वृंदावन के द्वारपति, हे सोमनाथ, आपकी सदा ही जय हो। आप जिनके भाल पर चंद्रमा शोभायमान है और जो सनक सनातन सनंद और नारद जैसे महान ऋषियों द्वारा पूजनीय है, हे गोपीश्वर शिव, कृपया हमें श्री राधा माधव
जो कि व्रज धाम में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, उनके चरण कमलों के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और शिव जी स्वयं अपनी पत्नी माता पार्वती से क्या कहते हैं? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो चलिए, ऐसे परम वैष्णव और देवों के देव महादेव को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए उनके प्रिय दिन शिवरात्रि पर उनसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री श्री राधा माधव के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम अनुराग प्रदान करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हरे कृष्णा।